हेलो दोस्तों, ईडब्ल्यू मोबाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास में सैमसंग A33 5G का हैंडसेट आया हुआ है जो कि डेड कंडीशन में है। इसको जब हमने 6 पॉइंट चार्जर पे चेक किया तो इसका जो एम्पियर है वो वहाँ पे 2.0 ले रहा है, बट डिस्प्ले वगैरह कुछ शो नहीं कर रहा है और फ़ोन जो है टोटली डेड कंडीशन में है। दोस्तों, ये फ़ोन का ये प्रॉब्लम भी है कि ये कभी कभार चार्जिंग लोगो भी शो कर रहा है, बट अभी जो ये टोटली तो डेड ही है, 2.0 एम्पियर ले रहा है बट डिस्प्ले वगैरह कुछ शो नहीं कर रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रहा है ये सैमसंग A33 5G में, इसमें जो 5G का CPU लगा हुआ है जो कि E8852 सीरीज़ का लगा हुआ है, वो ज़्यादा पेस्टेड होने की वजह से, ओवरहीटिंग होने की वजह से उसमें जो है CPU का दिक्कत आ रहा है। इस कारण ये जो फ़ोन है ज़्यादातर डेड हो रहे हैं। तो आज हम ये फ़ोन को रिपेयर करेंगे दोस्तों। इसको रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले CPU के ऊपर जो शील्ड लगी हुई है उसको हम रिमूव कर लेंगे। सैमसंग A33 5G दोस्तों, ये अभी लेटेस्ट फ़ोन है जो मार्केट में अभी चल रहा है। उसमें ज़्यादातर ये दिक्कतें आ रही है कि फ़ोन सडनली आपका बंद हो जाता है। वो जो दिक्कत होती है, ज़्यादातर जो दिक्कत है वो इसी CPU से ही होती है। इसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। टोटली फ्रेश कंडीशन होने के बावजूद भी जो फ़ोन है वो डेड हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम है वो है ये CPU का फॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर जो है आप देखेंगे दोस्तों, इसमें वाइट स्पेस जो है वो काफ़ी भरा हुआ दिया हुआ है, जिस कारण जो CPU है हमारा वो ओवरहीट होने की वजह से फ़ोन जो है सडनली डेड कंडीशन में चला जाता है। तो एक बार हम इसकी जो है दोस्तों शील्ड निकाल लेंगे। जो है दोस्तों, हम PCB स्टैंड के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे ताकि हमारा जो CPU निकालने का प्रोसेस है अच्छे से हम कर सकें। इसमें जो है दोस्तों, हम सबसे पहले वाइट पेस्ट जो लगा हुआ है इसमें उसको हम कट कर लेंगे, जो CPU के साइड से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं उसमें कंपोनेंट्स भी काफ़ी एक दूसरे से उसमें चिपके हुए हैं वाइट पेस्ट से। हम उसको जो है पहले एक दूसरे से उसे रिलीज़ कर लेंगे। वाइट पेस कट करने के लिए दोस्तों, अगर आपके पास में क्विक 857 DW प्लस हॉट एयर गन है तो उसका जो हीट है आपको 250 पे रखना है, और एयर जो है आप उस पर 2 पे सेट कर सकते हो। और अगर आपके पास में क्विक 2008 हॉट एयर गन है तो आप उसका जो हीट है वो 270 पे रख सकते हो, और जो एयर है वो 60 पे आप उसे सेट कर सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता हमें स्क्रैपर चलाना है दोस्तों, और जो वाइट पेस्ट है उसे पूरा कट कर लेना है ताकि CPU जो है हम इजीली बाहर निकाल सके। Thank you.
वाइट पेज इसका कट होने के बाद में दोस्तों अब हम इसका जो सीपीयू है सीपीयू रिमूव कर लेंगे। सीपीयू रिमूव करने के लिए क्विक 857DW प्लस पे हीट जो है आपको 350 पे सेट करना है और एयर 3 पे और क्विक 2008 है आपके पास में हॉट एयर गन तो उसे हमें 370 पे सेट करना है और एयर जो है वो हीट अब जो है दोस्तों हम इसका सीपीयू निकालेंगे। सीपीयू निकालने के लिए कॉट क्विक 857DW प्लस पे हमें 350 हीट सीट करना है और क्विक 2008 के ऊपर 370 हीट सीट करना है। हीट जो है दोस्तों हम इसके चारों कोने में लगा लेंगे। पहले जब नीचे के बॉल अच्छे से मेल्ट होने लगे उसी के बाद में हम इसे स्क्रैपर से सीपीयू को रिमूव कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा जो सीपीयू अच्छी तरीके से निकल चुका है। अब हम जो सीपीयू के नीचे के बॉल से उन सबको क्लीन कर लेंगे। बोर्ड हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है दोस्तों। एक बार हम इसे थीनर और ब्रश से भी और थोड़ा साफ कर लेंगे ताकि जो भी पेस्ट वगैरह जो भी कंपोनेंट से चिटका हुआ है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। अगर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा उसके ऊपर पेस्ट लगा हुआ है तो हमें उसे भी क्लीन कर लेना है।
हम उसके ऊपर हल्की हल्की हीट देके उसके ऊपर जो भी बचा हुआ वाइट पेस्ट है वो सारा निकाल लेंगे। अब इसका जो सीपीयू है दोस्तों, ये भी काफ़ी पेस्टेड है, इसको भी हम एक बार क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे और उसे सोल्डिंग मेटल के साथ में हम क्लीन कर लेंगे। जब हमारा सीपीयू अच्छे से क्लीन हो जाए दोस्तों, उसके बाद में हमें उसके ऊपर रिवॉल्विंग करनी है। रिवॉल्विंग करने से पहले सीपीयू पे ध्यान देना है दोस्तों, जो भी ब्लैक बॉल हो उसको हमें थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि मैन्युअली 2-4 बॉल है तो आप उसे ब्लेड से स्क्रैच कर सकते हो ताकि उसके जो ब्लैक बॉल्स है वो शाइन करने लगे। Thank you.
रिपोलिंग के लिए दोस्तों उसका जो स्टेंसिल है उसको आपको परफेक्टली उसके ऊपर मैच करना है सीपीयू के ऊपर, उसी के बाद में उस पर पीपीटी अप्लाई करनी है। एक्स्ट्रा पीपीटी को क्लीन कर लेंगे और अब जो हम हीट देंगे दोस्तों क्विक 857 से हम हीट जो है 280 पे सेट करेंगे और क्विक 2008 जो है उसके ऊपर हम 300 पे हीट सेट करेंगे। हीट जो देंगे दोस्तों हम उसे कॉर्नर से देंगे ताकि जो हमारे बॉल है वो अच्छे से मेल्ट होके परफेक्टली बन जाए इस तरीके से। जब हमारा सीपीयू अच्छे से रिबॉल हो जाए उसके बाद में हम उसको मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स करेंगे। मदरबोर्ड के ऊपर उसे फिक्स करने से पहले उसका जो नॉच मार्क है दोस्तों आपको याद रहना चाहिए और जिस भी डायरेक्शन में उसका नॉच मार्क है उसी नॉच मार्क को उसी डायरेक्शन में सेट करना है। सीपीयू इंस्टॉलिंग के लिए जो हीट रहेंगे दोस्तों क्विक 857 पे 350 हम सेट करेंगे और क्विक 2008 के ऊपर हम उसे 370 पे सेट कर देंगे। सीपीयू को चारों तरफ से हीट देना है दोस्तों। जब उसका फ्लक्स सीपीयू के चारों कोने से बाहर निकले उसके बाद में आपको हॉट एयर गन को रुका लेना है। जब हमारा सीपीयू अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद में उसको थोड़ा कूलिंग के लिए हमें रख देना है। उसका नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद में जो है दोस्तों आप उसको जो है बोर्ड के अंदर मदरबोर्ड को फिक्स कर लेंगे, उसके फ्रंट में उसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे और आप चेक करेंगे दोस्तों कि हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हुआ है या नहीं। पहले से हम डायरेक्ट ऑन करके देखेंगे और फिर चार्जिंग की पिन जो है प्लग इन करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो सक्सेसफुली ऑन हुआ है। अब जो है हम इसे चार्जिंग की जो पिन है इसमें प्लग इन करके रखेंगे। अब इसका एम्पियर आप देख सकते हैं दोस्तों 2.0 जो इसका एम्पियर है प्रॉपर ले रहा है अभी, यानी कि जो हमारा सीपीयू है दोस्तों वो परफेक्टली रिबॉल हो चुका है।
दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे AW मोबाइल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा पूरा फ़ोन ऑन हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।